दोस्तों आज मेरे पास है दो वेजिटेबल चॉपर, किचन के लिए बहुत ही यूजफुल है। पहला है बटरफ्लाई का मैनुअल वेजिटेबल चॉपर और दूसरा है आई गियर का रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाला वेजिटेबल चॉपर। आज के वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, दोनों में से कौन सा हमें परचेज करना चाहिए और कौन सा ज्यादा यूजफुल है। आई गियर के इस वेजिटेबल चॉपर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में सबसे पहले बटरफ्लाई के इस वेजिटेबल चॉपर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है बटरफ्लाई का ये वेजिटेबल चॉपर। यहाँ पर हमें बटरफ्लाई की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ये है बटरफ्लाई वेजिटेबल चॉपर, 900 ml इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा यहाँ पर इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है, पूरी तरह से मेक इन इंडिया है ये। के साथ हमें एक यूजर मैनुअल दिया गया है। इस प्रोडक्ट पर हमें केवल 30 डेज की वारंटी मिलती है, कैसे आपको इसे यूज करना है, बाकी यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड भी दिया गया है। तो यह है बटरफ्लाई 900 ml वेजिटेबल चॉपर, ये एक मैनुअल चॉपर है, इसके अंदर कोई मोटर वगैरह कुछ भी नहीं दी गई है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे इसकी ठीक ठाक लग रही है, बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी नहीं कह सकते। कवर को ओपन करना बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर 4 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा शार्प ब्लेड है ये। और यहाँ पर ये इसका कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 900 ml की कैपेसिटी दी गई है और नीचे की साइड एंटी स्किड रबर पैडिंग दी गई है जिससे ये इधर उधर खिसकेगा नहीं। प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, ड्यूरेबल प्लास्टिक से ये बना हुआ है और इसकी फिनिशिंग भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक हैंडल टाइप का दिया गया है, इस हैंडल को हमें खींचना है इस तरह से और ये हमारी जो शाफ्ट है यहाँ पर रोटेट होगी और इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसे हम यूज करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज ले लेता हूँ, ये प्याज इसके अंदर डाल दे रहा हूं। तो यहां पर काफी सावधानी से हमें यहां पर डाल देना है और इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। लेकिन यूज करते समय आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको हाथ लगा के रखना होगा वरना ये खुल भी सकता है, क्योंकि यहां कोई भी लॉक सिस्टम वगैरह नहीं दिया गया है और इसे यूज करने के लिए बस मैनुअली इसे खींचना है, पुल करना है और ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। इस तरह से आपको तो चॉप तो हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है भाई। इस तरह से आपको खींचना है और ये तो प्याज को तो इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चॉप कर रहा है। तो टमाटर, हरी मिर्च सारा कुछ मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, मैंने इसके पीस कर दिए हैं और इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्च भी डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर से आपको इसके ढक्कन को इस तरह से लगा देना है। कवर हमारा यहाँ पर फिट हो गया है, आपको ध्यान ये रखना है कि इसके ढक्कन को आराम से पकड़ के भी रखना है जिससे ये खुले ना, बस ये ध्यान रखना है। बाकी ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है और 900 ml का जार है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप इसमें सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह कर सकते हो चॉप। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट भी चॉप कर सकते हो। तो इसको एक बार फिर देखते हैं मिर्च और टमाटर का ये क्या हाल करेगा, वो देख लेते हैं। ईजली इसे ओपन कर लीजिए और उसके बाद इसके जो खतरनाक ब्लेड है इसका बहुत ध्यान रखना है, इस पर उंगली या हाथ अपना नहीं लगाना है। इस ब्लेड को पानी से धो दीजिए, जो रनिंग वाटर है उसके नीचे आप इसे आराम से क्लीन कर सकते हो, लेकिन इस पर हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसे बाहर निकाल के कि इसने कैसा चॉप किया है। तो इसने काफ़ी बेहतरीन तरीके से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सबको बहुत ही अच्छी तरीके से इसने चॉप कर दिया है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से मैनुअल है, कीमत भी इसकी काफ़ी कम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आई गियर का, ये जो आई गियर चॉप मिक्स है तो ये पूरी तरह से बैटरी से चलता है, 1600 रुपये इसकी कीमत है और इसमें हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 ml है, जबकि इसकी कैपेसिटी ये मैनुअल है
हाथ से चलता है, लेकिन ब्लेड काफ़ी शार्प है और बहुत अच्छे से ये चॉपिंग कर रहा है। कीमत इसकी काफ़ी कम है। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी भी 900 ml है। तो ये है बटरफ्लाई का मैनुअल वेजिटेबल चॉपर और ये है आई गियर का रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाला वेजिटेबल चॉपर। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कैपेसिटी की। बटरफ्लाई का ये वेजिटेबल चॉपर आता है 900 ml की कैपेसिटी के साथ, जबकि आई गियर का ये वेजिटेबल चॉपर केवल 250 ml की कैपेसिटी के साथ आता है। तो यहाँ पर बाजी जीत जाता है बटरफ्लाई। इसके अलावा सबसे बड़ा अंतर है इनकी कीमत का। बटरफ्लाई का ये वेजिटेबल चॉपर मिलता है केवल 300 rupees में, जबकि आई गियर का ये वेजिटेबल चॉपर है 1500 rupees का। तो यहाँ पर भी बटरफ्लाई बाजी जीत जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चॉपिंग की, प्रॉपर तरीके से किसमें सही से सब्जियां चॉप हो रही हैं, तो मैंने यहां तक अनुभव किया है बटरफ्लाई का ये वेजिटेबल चॉपर प्रॉपर तरीके से सब्जियों को काट देता है, काफी बढ़िया तरीके से चॉपिंग हो जाती है। लेकिन आई गियर का ये वेजिटेबल चॉपर उतने प्रॉपर तरीके से सब्जियों को नहीं काट पाता है। बाकी आपको इन दोनों में से कौन सा बढ़िया लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इनमें से किसी को भी परचेज करना चाहते हैं तो दोनों का वायलिंग मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।